हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देंगे जी आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर। एक्चुअली काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि मैम लाइट बिल कितना आता है डिश वॉशर से, अगर डिश वॉशर है हमारे घर पर तो उसका लाइट बिल कितना आता है। क्योंकि कई लोग हैं ना जो डिश वॉशर लेने की सोच रहे हैं, लेकिन किधर ना किधर लाइट बिल को लेकर उनके दिमाग में ऐसे टेंशन बनी हुई है कि लाइट बिल कितना आएगा, तो इसीलिए वो ऐसे ही बैठ जाते हैं, आगे की फिर सोचते नहीं। तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको सब बताऊंगी कि डिश वॉशर से हमारा लाइट बिल कितना आता है और पूरे डिश वॉशर का खर्चा हमें मंथली कितना पड़ जाता है। हमारा जो डिटर्जेंट है डिश वॉशर का, वो कितने का पड़ेगा हमें पूरे मंथ का अगर हिसाब लगाएंगे तो, सॉल्ट कितने का पड़ेगा, ये सब चीजें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी। चलिए उससे पहले मैं आपको ये एक न्यू पैकिंग आई है हमारी ये इसकी डिटर्जेंट की, वो दिखा देती हूँ। देखिए ये डिटर्जेंट पहले ऐसे डब्बा था, तो अब ये न्यू पैकिंग आई है, काफी अच्छी है। देखिए ये डिटर्जेंट की पैकिंग, और ये ऊपर से ऐसे खुलता है। पहले के जो पैकिंग थी ना, उसमें हमें स्पून डालना पड़ता था, स्पून से हमें मेजरमेंट कर डालना पड़ता था। लेकिन अभी इसके ऊपर देखिए ऐसे एक ढक्कन दिया है इन लोगों ने, मतलब जितना हमें चाहिए ऐसे वो ढक्कन के हिसाब से हम उतना इसमें डाल सकते हैं, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद जी मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी आज जिससे हमारे बर्तनों में हल्की हल्की सी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है जो कि आप लोग ही पूरा कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, जिन लोगों को मेरी अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरी ये जो मतलब 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो पूरा हो सकता है। और सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ऑल पर जाके, जिससे आप मेरे आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं, अभी क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए अभी सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन आया था कि मैम इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है अगर हम डिश वॉशर यूज करते हैं जी। देखिए डिश वॉशर के यूज करने पे है, मैं तो मतलब दिन में एक ही बार डिश वॉशर है जो यूज करती हूँ, क्योंकि दो टाइम के बर्तन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया हुआ है एक ही टाइम पर डालती हूँ। और 15 सेटिंग की मेरी ये डिश वॉशर है, काफी मतलब बड़ी साइज की है, तो वो हिसाब से मैं दो टाइम के बर्तन है जो एक साथ डालती हूँ इसमें, जिसकी वजह से मेरा अगर देखा जाए तो मैंने कई बार हिसाब लगाया है। जब भी बिल आता है ना, तो हमारे क्या है इधर मंथली बिल आता है, नहीं तो कई लोगों को क्या है दो दो महीने के बाद आता है ना, लेकिन हमारे इधर मंथली आता है। हमारे अगर मैं मतलब कभी हम लोग छुट्टी वगैरह चले जाते हैं तो नहीं यूज होता डिश वॉशर, तो अगर वो हिसाब से देखा जाए तो हमारे 300 साढ़े 300 मतलब रुपीज कम आते हैं बिल में। अगर देखा जाए तो मतलब 350, ज्यादा से ज्यादा 400 लगा लीजिए जी मंथली इसका जो डिशवॉशर का खर्चा है लाइट बिल का सिर्फ, ठीक है। लाइट बिल का 350 से 400 तक इसका मंथली हो जाता है। और बाकी ये जो हमारे पाउडर वगैरह है, ये पाउडर है जो 1 किलो का पैक है ये, और ये 400 रुपये का है, अब भी इसका 400 रुपये हो गया रेट, नहीं तो पहले 350 था। और ये मेरा चलता है जी 2 मंथ्स, 2 महीने चलता है मेरा ये 1 किलो का जो पैक है। अगर हम 2 महीने के हिसाब से लगाएंगे तो 1 महीने में 30 डेज होते हैं, तो 2 में हो गए जी 60 डेज। अगर 400 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ आता है, मतलब 6 रुपये एक दिन का खर्चा इसका 6 रुपये कुछ पैसे आ रहा है, तो आप हिसाब लगा लीजिए। तो उसके बाद जी हमें जो हमारा सॉल्ट है, जो सॉल्ट उसमें डालते हैं, वो 150 का 1 किलो का पैक आता है, और सॉल्ट जो है हमारा 4 मंथ तक आराम से चल जाता है, 3.5 4 महीने आराम से चल जाता है। अगर 4 महीने का भी हम हिसाब लगाएंगे तो 4 महीने में देखिए जी 120 डेज बनते हैं। अगर 150 को 120 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया 1.25 रुपया पैसे बनते हैं, यानी कि 1.25 रुपया एक दिन का बनता है। अभी देख लीजिए जी 6 रुपये डिटर्जेंट का हमारा एक दिन का खर्चा है, और इसका सॉल्ट का देखेंगे तो 1 रुपया है। अगर हिसाब लगाएंगे तो हमारा एक दिन का खर्चा ये पाउडर वगैरह का 6 से 7 रुपीज हो जाता है। और अभी आपको आई होप
आपको समझ आ गई होगी जिसका भी कमेंट था ये कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, ठीक है जी। तो उसके बाद मुझे क्वेश्चन आया था कि मैम क्या हम सेंटर वाला रैक निकालकर ज्यादा हाइट वाले बर्तन इसमें वॉश कर सकते हैं, क्या क्लीन होंगे बर्तन। देखिए जी, मेरे पास ज्यादा हाइट वाला बर्तन तो नहीं है, मेरे पास जो भी सबसे बड़ा बर्तन है ना, सबसे बड़ा पतीला है, वो 10 से 11 इंच के करीब है उसकी जो हाइट है, वो तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होता है। एल्युमिनियम का है वो पतीला है, जो मैंने काफी बार इसमें वीडियोस में आपको क्लीन कर कर दिखाया है। और देखिए, हो सकता है कि अगर हम सेंटर वाला रैक निकालकर ज्यादा हाइट वाले बर्तन इसमें डालेंगे तो उसका जो फैन में से जो पानी निकलता है अब प्रेशर से आता है, हो सकता है कि उसका प्रेशर है जो बर्तन के बॉटम तक ना पहुंचे, जो बॉटम में बर्तन के कचरा वगैरह लगा होगा, हो सकता है कि वो अच्छी तरह से क्लीन ना हो, क्योंकि वो जो पानी का प्रेशर होता है उधर तक ना पहुंचे, इतना ना हो उसका प्रेशर, ऐसा हो सकता है। तो आपके ये क्वेश्चन पर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी, आपको जो भी है ये प्रैक्टिकल है जो कर कर दिखाऊंगी, देखेंगे बर्तन हमारा जो ज्यादा हाइट का बर्तन होगा, पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जो ज्यादा हाइट का बर्तन होगा वो क्लीन होगा नहीं होगा, अगर होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, कोई हम इसमें झूठ नहीं बोलेंगे, होगा तो भी दिखाऊंगी, नहीं होगा तो भी आपको सब क्लियर बता दूंगी कि इतनी हाइट वाले बर्तन है जो हमारे डिशवाशर में वॉश होते हैं या फिर नहीं होते। सॉरी गाइस, ये सब क्वेश्चंस के आंसर रह गए हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इन सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में ये सब आंसर्स देने लगी मैं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतनी लंबी वीडियो देखना कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसे बर्तन आप डालते हैं ना डिशवॉशर में, पहले तो देखिए उनको थोड़ा सा रिंस कर लीजिए अपने ही, मतलब हाथ से थोड़ा पानी मार लीजिए, जो भी है ज्यादा स्मेल है जो निकल जाएगी, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डिशवॉशर को लोड करना है और आप प्री वॉश पर डाल दीजिए जी उसको। प्री वॉश कोई ज्यादा टाइम का नहीं होता, सिर्फ 14 मिनट का होता है, 14 मिनट का होता है प्री वॉश का जो सेटिंग होती है, पहले आप प्री वॉश पर डाल दीजिए और वो जो भी है स्मेल वगैरह वो निकल जाएगी। उसके बाद आपका जो साइकिल है उस पे डालिए, आप अगर 15 पे डालते हैं, 30 मिनट पे डालते हैं, मतलब जो भी आप डालते हैं, तो भी अगर आपके बर्तनों में स्मेल रह जाती है तो जी ये किस काम आएगा, फिर इसकी जो स्मेल है ना एकदम ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है, ऑरेंज की जो खुशबू है ना। और एक बात आपको बता दूं, ऑरेंज के छिलके की जगह पर आप इधर लेमन भी ले सकते हैं, लेमन को आधा काट लीजिए, वो ले सकते हैं, लेमन के छिलके ले सकते हैं, लेमन का छिलका तो देखिए थोड़ा सा ही निकलेगा, उसको अगर आधा हम काट कर, अगर ऐसे ही बर्तन की आपको प्रॉब्लम आती है स्मेल वगैरह की, तो आधा उसको काट कर मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे यूज करना है डिशवॉशर में। तो ये रहे जी हमारे ऑरेंज के छिलके, इधर नींबू के छिलके भी ले सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्सर का जो छोटा मसाला जार रहता है ना, बस उसमें डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी चीज हमें चाहिए जी, ये जो देखिए हमारे सबके घरों में मिल जाता है बहुत ही ईजिली, क्योंकि इसमें हम किराना वगैरह लेकर आते हैं, ये थैली है, देखिए ये कपड़े की जो रहती है ना वो है, इसको अभी मटेरियल को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी आपको, बस ये ले लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, मैं आगे चलकर आपको बताती हूं। तो ये देखिए जी, मैंने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है ये थैली को, और हमारा ये जो ऑरेंज के ये छिलके थे उसको भी मैंने देखिए थोड़ा खड़बड़ा सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना आप, क्योंकि ज़्यादा बारीक अगर पीसेंगे ना तो ये जो बैग है, ये जो कपड़ा है, इसके अंदर से इसका जो फ्लेवर है वो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा खड़ा सा रखा है इसको। और अब भी हम इसको देखिए ये इधर एक सेंटर में बिल्कुल डाल देंगे और इसकी ना एक पोटली सी बना लेंगे। तो देखिए जी, ये पोटली मैंने बना ली है, अभी इसको रखना किधर है और कब रखना है ये आप जरा ध्यान से देख लीजिए। तो ये रहा जी मेरा IFB का डिशवॉशर, और इसको देखिए अभी खोलेंगे हम, तो ये मेरा देखिए ये बर्तन मेरे कल के एक्चुअली पड़े हुए हैं, मैं सिर्फ आपको ये पोटली रख के बताना है मुझे कि किधर रखनी है आपको। तो हम ये नीचे वाले ड्रॉर को खोलेंगे और इधर किधर भी आपको कोई खाली प्लेस दिख रही है बस उधर इसको रख दीजिए, और ध्यान दीजिए कि अंदर से इसके मतलब निकल कर नीचे नहीं चली जाए, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा, नीचे फिल्टर में अटक सकती है ये थैली। और आप इसको किधर कोई मतलब ऐसे जगह देखिए जिधर से ये नीचे भी ना गिरे, देखिए मैं इसके ये पतीले के इसको नीचे रख दूंगी, इधर से नहीं नीचे गिरेगी,
चलिए जी, मैंने रख दिया है इसको, और अभी रखना कभी है वो आप ध्यान से देख लीजिए जी। तो डिशवॉशर जब भी हम चालू करते हैं तो इधर ये वॉश लिखा हुआ है ना, इसके आगे है जो रेड लाइट है जो जल जाती है, मतलब चालू रहता है तो ये वॉशिंग पे पहले आता है, उसके बाद रिंस पे आता है, उसके बाद ड्राई पे आता है, फिर एंड होता है जब साइकिल पूरा हो जाता है ना, फिर एंड पे आ जाता है। लेकिन हमें कभी ये पोटली रखनी है, हमें जब रिंस पर ये सिग्नल देगा कि रिंस हो रहे हैं आपके बर्तन तो हमें ये पोटली रखनी है, क्योंकि अगर वॉशिंग के टाइम पर रखेंगे तो वॉशिंग के टाइम पर तो हमारे बर्तनों में जो कचरा वगैरह रहता है वो होगा और डिटर्जेंट का पानी रहेगा, जिससे कि मुझे लगता है कि वैसी खुशबू हमारे बर्तनों में नहीं आएगी जितनी हमें चाहिए। तो हम रिंस के टाइम पर ये पोटली इसमें रखेंगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद जिनके भी ये क्वेश्चंस थे उनको सब आंसर मिल गए होंगे अपने क्वेश्चंस के। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल दीजिए जी, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी, मैं वही टाइम पर रिप्लाई कर देती हूँ, और हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँ, अगर मैं बना सकूंगी तो वीडियो भी जरूर बनाने की कोशिश करूंगी अभी। लेकिन मैं उससे पहले वो जो पेंडिंग वीडियो है मेरी वो हाइट वाले बर्तन की वो बनाऊंगी। चलिए जी, आज की वीडियो को करते हैं इधर ही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए जी। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जी। आप देख लेते हैं वीडियो, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। तो अभी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।